हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पंखे कूलर के अंदर जो रेगुलेटर यूज किए जाते हैं वह अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो वह ठीक है या खराब, उसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करेंगे। आपके घर में भी पंखे कूलर लगे होते हैं, उनकी जो स्पीड है वह प्रॉपर तरीके से रेगुलेटर से कंट्रोल नहीं होती है, तो आप सोचते हैं कि हो सकता है रेगुलेटर ख़राब, हो सकता है कि कूलर या पंखे के अंदर ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए रेगुलेटर की वह ठीक है या नहीं है, तो उसको हम अब इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देते हैं कि किस तरह से उसे हम चेक करेंगे। हमारे पास दो प्रकार के रेगुलेटर रखे हुए हैं, एक रखा हुआ स्टेप वाला रेगुलेटर है, एक है हमारे पास डिमर वाला रेगुलेटर है। इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ख़राब और कौन सा ठीक है। यह दूसरा रेगुलेटर हमारे पास डिमर वाला है, देख सकते हैं जिस तरह से हम आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं इसी तरह से पंखे की स्पीड उसको भी कम ज़्यादा इसी के हिसाब से करेंगे। एक होता है सीरीज बोर्ड जो हर एक मिस्त्री के पास होता है, सामने आप देख सकते हैं हमारे पास एक सीरीज बोर्ड रखा हुआ है, इसके अंदर 2 पिन की एक सॉकेट लगी हुई है जिसका कार्य होता है कि कोई भी आइटम ख़राब है चेक करना हो तो सीरीज के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। इसके रेगुलेटर के अंदर 2 वायर है, 2 वायरों को हम ये जो 2 पिन की जो सॉकेट है इसके अंदर लगा देते हैं। ध्यान रखना, कभी भी आप रेगुलेटर को चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट जो लाइट आई होती है उस सॉकेट के अंदर आप इसे कभी भी यूज ना करें। यह 2 पिन वाली सॉकेट के अंदर हमने रेगुलेटर को लगा दिया है। अब रेगुलेटर की जो वॉल्यूम है उसको हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाते रहेंगे जो बल्ब के अंदर जो रोशनी है वह तेज़ होती रही है। आप देख सकते हैं बल्ब की जो रोशनी है वह तेज़ हो रही है, सबसे लास्ट में आके देख सकते हैं इसकी जो रोशनी बल्ब की वह फुल तेज़ हो चुकी है। अब जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम को हम कम करेंगे देख सकते हैं आप, तो बल्ब की जो रोशनी है वह भी आराम आराम से कम होनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि यह जो रेगुलेटर है यह प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है, यह हमें कन्फर्म है। यदि हम वॉल्यूम को बीच के अंदर ले आते हैं जब तक यह जो बल्ब है यह ऑन नहीं होता है, या फिर कहीं पर कम कभी कहीं पर ज़्यादा एकदम से लाइट होती है, तो उस समय आप चेक कर सकते हैं कि रेगुलेटर ख़राब है। जैसे कि हम एक स्टेप वाला रेगुलेटर ले लेते हैं, इसको हमने 2 पिन वाली सॉकेट के अंदर लगा दिया है, जैसे ही इसके एक पे ऑन करते हैं तो यह बल्ब ऑन नहीं हुआ है, 2 पे करते हैं तो थोड़ा सा बल्ब है यह ऑन हो चुका है। इसी तरह से अगले स्टेप के ऊपर करते हैं, 3 के ऊपर इसकी रोशनी तेज़ हो चुकी है, 4 नंबर के ऊपर इसको हम लेके आते हैं तो आप देखेंगे इसकी जो रोशनी है और तेज़ हो चुकी है, यानी कि यह जो रेगुलेटर है यह प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है। जैसे कि 1 स्पीड पे करते हैं तो कोई भी वर्किंग यानी कि बल्ब के अंदर कोई रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि हम 2 के ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी रोशनी है वह थोड़ी सी आ रही है, जैसे हम 3 के ऊपर करेंगे तो इसकी रोशनी है वह सही तेज़ हो जाती है, और 4 के ऊपर करते हैं तो फुल तेज़ हो जाती है, यानी कि 3 और 4 के ऊपर तो ये अच्छे से वर्किंग करता है, 1 पे यह कुछ भी वर्किंग नहीं करता, 2 के ऊपर भी जो इसकी पंखे की स्पीड बनाएगा ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी फैन रेगुलेटर हो उसको सीरीज के अंदर चेक कर सकते हैं कि वह खराब है या नहीं है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दें।